हम लोग पढ़ रहे थे मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद में हमने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझना प्रारंभ किया था। मार्क्स ने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों में से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है और उसे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मार्क्स ने प्रस्तुत भी किया है। तो मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को आज हम आगे बढ़ाते हैं। उसकी अवधारणाओं की बहुत सारी जो बातें थी हमने पढ़ ली थी कि वर्ग संघर्ष किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, वर्ग संघर्ष में पूंजीपति का क्या अर्थ है या वर्ग संघर्ष में संघर्ष का क्या अर्थ है। मार्क्स ने समझाया कि किस तरीके से दोनों ही वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है लेकिन विरोधी हितों के कारण इनके संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर अधिक से अधिक पूंजीपति बनना चाहता है और श्रमजीवी जो पराश्रित वर्ग है वो अपने श्रम की अधिक से अधिक कीमत पाना चाहता है। इसलिए विरोधी हितों के कारण दोनों की एक दूसरे को आवश्यकता होने के बावजूद भी ये संघर्ष लगातार चलता रहता है, जिसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। और आज जो हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, चौथा पॉइंट कि पूंजीपति वर्ग का अर्थ मार्क्स ने क्या समझाया। तो मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग का अर्थ ये बताया कि वे लोग जिनके हाथ में साधन है, जो भूमि भवन उत्पादकता के साधन जैसे कच्चा माल है, फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियां हैं, ये सारे की सारी चीजें जो है बड़ी बड़ी मुख्य आधारभूत चीजें, उन समस्त चीजों का जिनके पास संग्रह है वो लोग पूंजीपति हैं, वो साधन संपन्न है, उनके पास समस्त साधन है, उसे ही मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग का नाम दिया है। पूंजीपति का अर्थ जिनके हाथों में उत्पादन के साधन रहते हैं, जैसे भूमि, कल कारखाने, कच्चा माल, कार्य और पूंजी उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने के कारण पूंजीपति विलासिता और ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। वे श्रमिकों का सदैव से ही शोषण करते आ रहे हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करके पूंजीपति बने हुए हैं। ऐसा मार्क्स का मानना है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर श्रमिकों का शोषण करके ये पूंजीपति वर्ग पूंजीपति आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे जो उसने अवधारणा को बताया वो है दूसरा वर्ग सर्वहारा वर्ग का अर्थ के रूप में मार्क्स बताता है कि सर्वहारा वर्ग कौन सा है, कि सर्वहारा वर्ग वो वर्ग है जो पूंजीपति वर्ग पर आश्रित है, कि यदि पूंजीपति वर्ग उन्हें कार्य नहीं देगा तो वो क्या कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से अन्योनाश्रित है किसके ऊपर, पूंजीपति वर्ग के पास। तो सर्वहारा वर्ग के पास केवल और केवल श्रम ही चीज है जिसे वो बेचकर, अपने श्रम को बेचकर अधिक से अधिक उस श्रम की कीमत पाना चाहते हैं। और ये श्रमजीवी वर्ग जीवित रहने के लिए केवल श्रम को ही बेचना उसका अधिकार रहता है। ये बहुत ही कर्मशील वर्ग होता है जो अपनी कार्यशीलता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके वो अपने जीवन में, अपने जीवन को जो भी जिस भी तरीके से वो चलाना चाहता है, जीवन के उन समस्त कार्यों को अपने श्रम के बेस पर ही पूर्ण करता है। तो मार्क्स का मानना है कि यह वह वर्ग है जो जीवित रहने के लिए श्रम को बेचने के अतिरिक्त और कुछ इसके पास नहीं है, ये पूंजीपति के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं और कभी कभी तो गरीबी और बेरोजगारी के कारण ये कम कीमत पर अपना श्रम बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यदि गरीब वर्ग को, श्रमजीवी वर्ग को कार्य न मिले तो इनको
बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये पूंजीपति वर्ग कई बार इन समस्याओं के जूझते हुए अपने श्रम को कम कीमत पर भी बेच देते हैं। अगला अवधारणा का अगला पॉइंट है बुर्जुआ समाज का उदय। बुर्जुआ समाज यानी पूंजीपति समाज का एक उदय हुआ किस रूप में हुआ। जैसा प्राचीन काल में हमें मालूम है कि जमींदारी और सामंत की व्यवस्था चलती थी, तो जमींदार और सामंत की व्यवस्था जब लोगों को रोजगार देने में या उनकी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण से असफल रहे, जनता दुखी और असंतुष्ट रहने लगी और जमींदार शोषण और अत्याचार के बल पर अपने कार्यों को करवाने लगे, बलपूर्वक करवाने लगे और वो अपने कार्यों के साथ साथ कुछ इल्लीगल कार्यों को भी अंजाम देने लगे, जिससे इनका विरोध बढ़ता चला गया और जहां आर्थिक व्यवस्थाओं से को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था ये वर्ग, इसीलिए धीरे धीरे कल कारखानों का उदय हो गया। ऐसा मार्क्स का मानना है कि जब कल कारखानों का उदय हो गया तो श्रमिक को अपनी कार्य योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य मिलना प्रारंभ हो गया। जब वो अपनी रुचि कार्य और निपुणता के कारण अलग अलग कार्य करने लगा तो धीरे धीरे समाज में वर्ग बनने लगे और वर्ग बनते बनते जब कल कारखाने बहुत अधिक बन गए तो दो वर्ग उसमें नजर आने लगे। एक वर्ग पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग कहलाने लगा जो साधन संपन्न वर्ग था और दूसरा वर्ग इन पर आश्रित वर्ग था जिसके पास साधनों का अभाव था, केवल श्रम ही उसका पूरी धरोहर हुआ करती थी। तो मार्क्स ने बताया कि इतिहास के आर्थिक सिद्धांत में सामंत व्यवस्था में लिखा है कि जब लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सामंती वर्ग असफल रहा तो कल कारखानों का विकास होता चला गया, मांगे बढ़ती गई और मंडियों का विकास होता रहा। विद्युत भाप और यंत्रों ने औद्योगिक उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। हस्तनिर्मित कार्यों का स्थान उद्योगों ने ले लिया और औद्योगिक मध्यम वर्ग का औद्योगिक करोड़पतियों ने ले लिया। फैक्ट्री व्यवस्था ने समाज को दो भागों में विभक्त कर दिया, पहला भाग पूंजीपति और दूसरा श्रमजीवी कहलाया। ये दोनों वर्ग साधनों पर अधिकार होने के कारण श्रमजीवियों का शोषण करने लगे और अधिक मुनाफा पाकर पूंजीपतियों के रूप में उदित हो गए। तो इस तरीके से मार्क्स ये समझाने का प्रयास करता है कि सामंती व्यवस्था की असफलताओं ने कल कारखाने या फैक्ट्री व्यवस्था को लेकर आया, ये व्यवस्था नई व्यवस्था के रूप में उभरी और इसके आने से जीवन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि भूमि भवन और अनेक उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने की वजह से पूंजीपति वर्ग अलग रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा और श्रमजीवी वर्ग अलग रूप में दिखाई देने लगा। जिनके पास साधन थे वो साधन संपन्न होकर विलासिता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने लगे, जो बुर्जुआ वर्ग के अलग ही पहचान बनाने लगे। तो इस तरीके से बुर्जुआ वर्ग का उदय कल कारखानों के आने के बाद ही हुआ है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अगला पॉइंट है वर्ग संघर्ष का सबलीकरण। कि जैसा हमने पढ़ा है कि वर्ग संघर्ष रहा है, लंबे समय से वर्ग संघर्ष चला आ रहा है, क्योंकि समाज में दो ही वर्ग हैं और दोनों वर्गों में लगातार संघर्ष चला आ रहा है और इस संघर्ष की वजह से जो व्यवस्था बढ़ रही थी, शोषण और अत्याचार की कहानियां बढ़ रही थी, उससे समाज दो भागों में जो बढ़ चुका था पूंजीपति और श्रमजीवी वर्ग में, तो इनके संघर्ष में बाद में ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहता है। मार्क्स का ऐसा मानना है कि अंततः पूंजीपतियों की हार होती है और बुर्जुआ या श्रमिक वर्ग जीत जाता है।
और इसकी विजय की अवश्य भावना मार्क्स ने प्रस्तुत की है और यह समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से सर्वहारा वर्ग जब आ जाता है तो एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज का उदय हो जाता है। तो मार्क्स का मानना है कि बुर्जुआ व्यवस्था ने वर्ग संघर्ष को सरल बनाकर समाज को दो स्पष्ट भागों में वर्गीकृत कर दिया और दोनों वर्गों के संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय और बुर्जुआ वर्ग का अंत होगा, ऐसी अवश्य भावना मार्क्स ने व्यक्त की है, जिसके बाद राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। ऐसा मार्क्स ने माना है कि ये व्यवस्था अवश्य रूप में आएगी। तो यहाँ पर हमने इस अवधारणा को 7 पॉइंट के माध्यम से पूर्ण कर लिया है। सिद्धांत की बात में बारी है आलोचनाओं की, तो किस रूप में आलोचकों ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की है। तो पहली आलोचना है कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं है, कि समाज में जिस तरीके से मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये समझाने का प्रयास किया कि समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, तो ऐसा कदापि नहीं है। मार्क्स अपनी इस विचारधारा में कहीं ना कहीं गलत साबित होता है, क्योंकि समाज में दो नहीं वरन 3 वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न या श्रमिक वर्ग। तो ये 3 वर्ग हैं जिसे समझने में मार्क्स ने कहीं ना कहीं भूल अवश्य की है। कि यदि हम प्रतिशतता की बात करते हैं तो 25% बहुत उच्च स्तरीय जीवन को जीने वाले पूंजीपति हैं, 25% निम्न जीवन जीने वाले श्रमजीवी हैं और बाकी के जो बीच के 50% बचते हैं वो है सामान्य मध्यम वर्ग, जिसमें अधिकांशतः लोग जीते हैं। तो मार्क्स उस चीज को भुला बैठता है, तो ये उसकी आलोचना का ही एक कारण बनता है। दूसरी आलोचना है सामाजिक जीवन सहयोग पर आधारित, कि जिस सामाजिक जीवन को हम लोग देख रहे हैं और उसमें यदि संघर्ष ही होता तो क्या ये जीवन जो आज जी रहे हैं वैसा मिलता। कि जब भी देखा गया है पूंजीपति और श्रमजीवी यानी मालिकों में और श्रमिकों में एक प्रकार का संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग देखा जाता है, उनके जीवन की मुख्य सच्चाइयाँ सहयोग पर आधारित होती है, जिसे मार्क्स कहीं ना कहीं भुला बैठता है। इतिहास गवाह है, कई सारी मूवीज में भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यदि पूंजीपतियों पर कोई संकट गहरा जाता है आर्थिक संकट, तो श्रमजीवी वर्ग ने उनका खुले हाथ से सहयोग किया है और इस सहयोग से ही पूंजीपति और जो श्रमजीवियों के जीवन में जो संघर्ष की कहानी मार्क्स द्वारा लिखी गई है वो संघर्ष स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आता। कुछ एक उदाहरण हो सकते हैं अपवाद स्वरूप कि जहाँ पर संघर्ष की स्थिति रही हो, लेकिन सामान्य जीवन में यदि हम देखते हैं तो इनका जीवन सहयोग पर ही आधारित होता है और मार्क्स इसे समझने में भूल कर बैठता है। तीसरी आलोचना है मध्यम वर्ग की उपेक्षा, कि जहाँ अभी हमने पढ़ा कि समाज में दो नहीं वरन 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में दो वर्गों का हवाला देते हुए तीसरे मध्यम वर्ग का जो सबसे बड़ा वर्ग होता है बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है उसकी उपेक्षा की है। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, टीचर्स हैं और जो भी बैंकर्मी हैं या टेक्नीशियन है किसी भी फील्ड के, तो इन सभी का जो बुद्धिजीवी वर्ग जो कहलाता है वो मध्यम वर्ग होता है। तो उस मध्यम वर्ग की मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत की अवधारणा में उपेक्षा की है, जो मानने योग्य नहीं है, आलोचक इसकी खुलकर आलोचना करते हैं। यदि हम अगली आलोचना की ओर बढ़ते हैं तो वो है इतिहास केवल आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी नहीं है। कि जैसा मार्क्स ने कहा कि जो वर्ग संघर्ष है
वो राजा रानियों की कहानी नहीं है, इतिहास राजा रानियों की कहानी नहीं है या राजा के युद्धों की कहानियां नहीं है, वरन दो वर्गों के संघर्ष की कहानी रही है। ऐसा उसने अपने सिद्धांत में कई जगह इसका वर्णन किया है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि मार्क्स यहाँ भी भूल कर बैठा। यदि हम देखते हैं बहुत सारी कहानियाँ, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, यदि हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, यदि हम अकबर के शासन की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो है सामाजिक आर्थिक कहानियाँ जो हैं इतिहास के अंदर, पन्ना धारी की जो कहानी है, मीरा का जो व्यक्तित्व है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें इतिहास को भरा पूरे रूप में समृद्धि की है। उस इतिहास के अंदर वर्ग संघर्ष तो कहीं था ही नहीं, इन कहानियों में वो संघर्ष नहीं था। संघर्ष अवश्य थे, लेकिन ये संघर्ष उन संघर्षों से बेहद अलग थे। संघर्ष का रूप धार्मिक भी हो सकता है, संघर्ष का रूप सामाजिक भी हो सकता है। बुराइयों से लड़ने के लिए सामाजिक जीवन में यदि संघर्ष जैसी कोई कहानी आती है तो वो आर्थिक कहानियों से बिल्कुल भिन्न होती है, जहाँ पर माँ और बेटे बच्चों का, या पिता या बच्चों का, या माता पिता के लिए बच्चों का संघर्ष भी आसानी से देखा जाता है। तो सामाजिक इतिहास के अंदर यदि कहीं भी कोई संघर्ष दिखाई देता है तो वो केवल और केवल आर्थिक वर्ग का है, ऐसा कहना मार्क्स गलत कर बैठता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगले आलोचना की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा। राष्ट्रीय तत्व यदि हम देखते हैं कि हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है, तो हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होने का अर्थ ये होता है कि जब कभी भी हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई समस्या आती है तो हम चाहे कितनी भी भिन्नता का परिचय क्यों ना देते हो, राष्ट्रीय एकता के लिए तो हम क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और इसी एकजुटता का परिचय बहुत सारे इतिहास की कहानियों में भरा पड़ा है। तो यहाँ भी हम फिर से हम चर्चा करेंगे कि यदि हम बात करते हैं अशोक महान की, या सिकंदर महान की, या चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त मौर्य की, महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी की, तो इनके संघर्षों के पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं था, वरन राष्ट्रीय तत्वों का अधिक प्रभाव था, जिसे समझने में मार्क्स ने ये जो सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों के पीछे बहुत सारे राष्ट्रीय तत्व थे, जिन्हें हमने देखा कि झांसी की रानी या प्रताप का संघर्ष उसके इतिहास से कहीं कोई या पद्मिनी का आत्मसम्मान, ये सारी जो कहानियाँ हैं उसका संबंध राष्ट्रीय एकता का था, राष्ट्रीय तत्व उसमें मौजूद थे। और उस तत्वों को समझने में मार्क्स ने कहीं ना कहीं भूल की है। तो इस तरीके से आज हमने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का पूर्ण व्याख्या और उसकी आलोचना के साथ इस सिद्धांत का समापन कर लिया है।